आज के इस सुपर शोडाउन में हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन जायंट मॉन्स्टर के बीच शोडाउन करने वाले हैं, जो है गॉडजिला का सबसे शक्तिशाली वर्जन गॉडजिला अर्थ, मॉन्स्टरवर्स का सबसे शक्तिशाली विलेन मेका गॉडजिला, और क्लैश ऑफ द टाइटंस का जायंट इविल मॉन्स्टर क्रैकन। क्या होगा अगर ये तीनों मॉन्स्टर एक दूसरे से फाइट करते हैं? कौन है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और कौन होगा इस फाइट का विनर, जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किस देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। शो डाउन करने से पहले हम तीनों के पावर्स और एबिलिटीज को एक एक करके जानेंगे, फिर शो डाउन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं गॉडजिला अर्थ से। गॉडजिला अर्थ हमें तीन एनिमेटेड मूवी में दिख चुका है, जो अब तक का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गॉडजिला है, जिसकी लंबाई 1043 फीट है और 1,00,000 टन भारी है। अगर हम इसके पावर्स और एबिलिटीज की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक ब्रेथ बाकी गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से ज़्यादा शक्तिशाली है, जो अपने एटॉमिक ब्रेथ से स्पेस के एस्ट्रॉइड को तबाह कर सकता है। और इस गॉडजिला ने मेका गॉडजिला सिटी को अपने एटॉमिक ब्रेथ से पूरी तरह ख़त्म कर दिया था। सुपर ऑसिलेटरी वेव है, जो आवाज़ निकालने पर चीज़ों को तबाह कर सकता है। प्लाज्मा कटर है, जिससे वह अपने पूछ से छोड़ता है, जो पेड़ों के साथ साथ पर्वत और पहाड़ों को काट सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है, जैसे म्यूटो EMP छोड़ता है, जिससे वह इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को बंद कर सकता है। वैसे ही यह गॉडजिला EMP छोड़ता है, जो चीज़ों को बंद नहीं करती बल्कि पूरी तरह तबाह कर देती है। इस गॉडजिला को डैमेज करना मुश्किल है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड है, जिससे कि कुछ ही चीज़ गॉडजिला के बॉडी को छू सकती है, जैसे वाटर या गैस। यानी कि गॉडजिला को गन, टैंक और मिसाइल से मारने पर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेटालिक टिश्यू है, गॉडजिला का बॉडी सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि यह 20,000 सालों से सर्वाइव करते आ रहा है। अगर इसे किसी तरह चोट भी पहुंचा दिया जाता है तो इसके पास रीजनरेशन की एबिलिटी है, जिससे यह कुछ ही सेकंड में अपने बॉडी को रीजनरेट कर सकता है। स्टेल्थ की एबिलिटी है, जिससे यह रेडियोवेव को ऑब्जर्व कर सकता है, जिससे इसे रडार या किसी प्रकार के टारगेटिंग सिस्टम से ट्रैक नहीं किया जा सकता। रेडिएशन छोड़ सकता है, जिससे यह अपने आसपास के चीज़ों और जीव को भी मार सकता है। अगर बात करते हैं क्रैकन की, तो क्रैकन हमें दिखा था क्लैश ऑफ द टाइटंस मूवी में, जो समुद्र में रहने वाला बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, जिसके दो हाथ हैं, नुकीलेदार चार पैर हैं और उसके बॉडी से बहुत सारे टेंटिकल निकले हुए हैं। अगर इस क्रैकन की साइज की बात करते हैं तो क्रैकन 414 फीट ऊँचा है। इसके टेंटिकल बहुत ही लंबा है, जिससे उसकी लंबाई 900 फीट हो जाती है। अगर बात करते हैं क्रैकन के पावर्स और एबिलिटीज़ की, तो मूवी में हमें कुछ ही समय के लिए क्रैकन को दिखाया गया था, जिसके पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है, जिसका सिग्नेचर अटैक है टेंटिकल स्मैश, जो अपने इस बड़े टेंटिकल की मदद से सिटी को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। अपने इस टेंटिकल की मदद से अपने अपोनेंट को पकड़कर अपने रेजर शार्प क्लॉज से मार सकता है और नुकीलेदार दांत से काट सकता है। क्रैकन जाना जाता है अपने बहुत बड़े साइज के लिए और सुपर स्ट्रेंथ और सुपर ड्यूरेबिलिटी के लिए। क्रैकन ग्रीक मैथोलॉजी से है, जो हेडिस का सर्वेंट है। हेडिस ज्यूस का भाई है, जो अंडरवर्ल्ड का गॉड है, एक तरह का इविल गॉड है, और वहीं क्रैकन को सिटी में हमला करने के लिए कहता है। सीधा कहा जाए तो क्रैकन एक बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर है, जिसका मकसद है सिविलाइजेशन को ख़त्म करना और इंसानों को मारना। अगर बात करते हैं मेका गॉडजिला की, तो मेका गॉडजिला दिखा था गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में, जो 400 फीट बड़ा मॉन्स्टर था, जो गॉडजिला और कॉन्ग से बड़ा था, जिसके सामने गॉडजिला कुछ नहीं कर पाता था। गॉडजिला के हर एक हमले का उसके पास जवाब होता है, और मेका गॉडजिला गॉडजिला और कॉन्ग पर एक साथ भारी पड़ता है। गॉडजिला और कॉन्ग मिलकर भी मेका गॉडजिला को हरा नहीं पा रहे थे। अगर इसके कंट्रोल पैनल को डैमेज नहीं किया गया होता तो कॉन्ग और गॉडजिला के लिए मेका गॉडजिला को हराना मुश्किल होता। मेका गॉडजिला के पास एक ड्रेडी डिल होता है, जो उसके पूछ में लगा होता है, जिससे वह गॉडजिला और कॉन्ग के बॉडी को छेद सकता था। मेका गॉडजिला के शरीर में बहुत से मिसाइल लगे होते हैं, जिससे वह गॉडजिला पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे गॉडजिला के पास एटॉमिक ब्रेथ है, वैसे ही मेका गॉडजिला के पास प्रोटॉन स्ट्रीम है, जिससे उसने स्कल क्रशर के दो टुकड़े कर दिए थे।
यह प्रोटॉन स्क्रीन इतना शक्तिशाली होता है कि गौडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को ओवरपावर कर देता है। मेका गौडजिला के पास थ्रस्टर है जो उसके बैक और साइड में लगा होता है, जिससे मेका गौडजिला जल्दी से मूवमेंट कर पाता है। इसके अलावा मेका गौडजिला के पास एनर्जी पंच है जो अपने दुश्मन को अपने हाथों से एनर्जी निकालते हुए पंच मारता है। यह पंच इतना शक्तिशाली होता है कि गौडजिला को एक ही बार में गिरा देता है। गौडजिला अर्थ, क्रैकन और मेका गौडजिला तीनों ही शक्तिशाली मॉन्स्टर है। तो पहला सवाल यह उठता है कि इन तीनों मॉन्स्टर में सबसे पहले बेटा से कौन बाहर होगा। अगर हम इनके साइज, पावर्स और एबिलिटीज के आधार पर देखते हैं तो गौडजिला अर्थ 1043 फीट बड़ा है, क्रैकन 414 फीट बड़ा है और मेका गौडजिला 400 फीट बड़ा है। इन दोनों मॉन्स्टर से दोगुना है, तब इन दोनों मॉन्स्टर को गौडजिला अर्थ के खिलाफ लड़ना मुश्किल होगा। और गौडजिला अर्थ के पास सबसे ज़्यादा पावर्स और एबिलिटीज है। मेटालिक टिश्यू है, रिजर्वेशन की एबिलिटी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड है, जिससे कि यह बात साबित हो जाता है कि उसे चोट पहुंचाना मुश्किल होगा। और उसके पास एटॉमिक ब्रेथ और प्लाज्मा कटर जैसे खतरनाक एबिलिटीज है और उसने सबसे शक्तिशाली गिदोरा ओइड गिदोरा को हराया है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि वह इस बैटल में टॉप पर होगा। अब सवाल यह है कि क्रैकन और मेका गौडजिला में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो मेका गौडजिला के पास प्रोटॉन स्क्रीम है जिससे उसने गौडजिला को दूर फेंक दिया था। डेड्री डील है जिससे वह क्रैकन को छेदने की कोशिश कर सकता है। गौडजिला और कॉन्ग पर भारी पड़ा है, यानी कि उसका स्ट्रेंथ और वेपन बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्रैकन एक इविल मॉन्स्टर है जो हेडिस का सर्वेंट है। उसे सिर्फ तभी हराया जा सकता है जब किसी मॉन्स्टर के पास गॉड लाइक पावर हो या कोई गॉड हो, यानी कि मेका गौडजिला का प्रोटॉन स्क्रीम, स्ट्रेंथ और डेड्री डील उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। तब क्या होगा जब क्रैकन अपने टेंटिकल से हमला करना शुरू कर दे। जैसा कि उसके टेंटिकल 900 फीट बड़े हैं और बहुत ताकतवर भी, जिससे वह बिल्डिंग को छू कर तोड़ दे रहा था, तब अगर इन टेंटिकल से वह मेका गौडजिला पर हमला करेगा तो मेका गौडजिला के पुर्जे अलग हो जाएंगे। तो मेरे ओपिनियन से इन दोनों में विनर क्रैकन होगा। अब यह सवाल उठता है, तब क्या होगा जब गौडजिला अर्थ और क्रैकन आमने सामने हो। क्रैकन द्वारा हमला करने के लिए सिर्फ उसका टेंटिकल है, वहीं गौडजिला अर्थ के पास एटॉमिक ब्रेथ, सुपर रोड, प्लाज्मा कटर जैसे एबिलिटी है जिससे वह हमला कर सकता है। गौडजिला अर्थ का प्लाज्मा कटर इतना शक्तिशाली है कि पर्वत को भी काट सकता है, तब वह क्रैकन के टेंटिकल को काट सकता है या फिर क्रैकन को ही काट दे। दूसरा कि गौडजिला क्रैकन से दोगुना है, तब उसका फिजिकल हमला ज़्यादा ही होगा। तीसरा कि गौडजिला अर्थ को चोट पहुंचाना मुश्किल है, जिसका शरीर मेटल से भी ज़्यादा मजबूत है और उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड है। चोट भी पहुंचा दिया जाता है तो उसके पास रिजर्वेशन की एबिलिटी भी है, यानी कि इन दोनों में विनर गौडजिला अर्थ होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि गौडजिला अर्थ ने ओइड गिगर को हराया है जिसके पास डार्क एनर्जी थी, तब क्रैकन को हराना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, जिसे वह एटॉमिक ब्रेथ से पूरी तरह पीट सकता है और प्लाज्मा कटर से काट सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।